बारडोली में अगर छास वितरण केंद्र अगर खुला है तो यहाँ स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर शुरू किया गया। मैं आपको बताता हूँ किस तरह यहाँ सेवा की जाती है और कौन कौन लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान स्वीट की ओर से 10 सालों से गर्मी के दिनों में निर्मल जल का वितरण होता है और सेवा समर्पण ग्रुप की ओर से छास का वितरण जनता के लिए खुला है। इसमें महेंद्र सिंह शेखावत, वेंकुट भाई, डूंगर सिंह, सोमा भाई और उनकी पूरी टीम के साथ सहकार से कार्य चलता है। कई स्पॉन्सरशिप भी रहती हैं। इस तरह जनता की सेवा के लिए ये कार्यरत हैं। समय है 12:30 और वो जगह है रेलवे स्टेशन के सामने स्टेशन रोड बारडोली। कई सब देख सकते हैं यहाँ पर कई युवा जो अपने कार्य में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, सब इतने उत्सुक हैं कुछ करने के लिए। आप देख सकते हैं सेवा समर्पण ग्रुप इसके लिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि कई लोग कतार में खड़े हैं कि चलो भाई अभी ठंडी छास मिलेगी, और वन बाय वन कतार से आकर ले रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। अगर अच्छी सुविधा हो तो जनता को भी का फायदा है। यहाँ पर कतार में आना और उसको छास को लेके जाना, जनता को भी कितना सुकून मिल रहा है ऐसी कड़ी धूप में। शायद हमें भी ऐसी धूप में अगर ऐसा ठंडा कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को भी ऐसी ठंडी छास पीने को मिले तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, जब भी ऐसा कोई जगह है जहां पर ऐसी इस तरह सेवा अगर जनता को मिलती रहे तो इसमें क्या बुरा है, अच्छा है। और कई ऐसी सेवाएं करने वाली संस्थाएं आज भी कई जगह कार्यरत हैं। वैसे ही ये कार्य करने वाली संस्था बारडोली में मौजूद है जो फिलहाल इस तरह जनता को सेवा प्रदान करना चाहती हैं। धन्यवाद।